गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का दिन कैसे ऐसे शुरू होता है कि मैं बना रही हूँ सुबह सुबह चाय अपने हस्बैंड के लिए, अजीम के लिए, और अपने लिए मैं दिल किया कि मैं आज ओट मिल्क खाऊँ। इतना दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने पे, तो मैंने कहा नहीं, आज थोड़ा हल्का फुल्का खा लेना चाहिए, क्योंकि आज मैं पीऊँगी थोड़ा बहुत। मेरा दिल है कि दो तीन दिन डिटॉक्स कर लूँ, कि मैं ग्रीन जूस पीऊँगी नाश्ते में, आई थिंक आधी बोतल पीऊँगी और थोड़ा सा खाऊँगी ओटमील। और ओटमील के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये बादामों का दूध। और बेबी आज जो अंदर बैठा हुआ खाना खा रहा है, और बच्चे जिसे मैंने स्कूल ड्रॉप कर आई हूँ, अजीम जो है ज़रा नहा रहे हैं। तो मैं ज़रा, बेबी आहत ने अपनी ब्रेड जो है खा चुका है, आपको आवाज़ आ रही होगी, शोर हो रहा है, तो उसको थोड़ा अंगूर काट के दूंगी ताकि वो अंगूर भी खा ले। चाय को भी डाली आ रही है, ओटमील जो है मैं तकरीबन दो हाथ ही लेती हूँ, दो मुठियां कह दें आप। थोड़ा मिक्सअप कर देंगे, मैं थोड़ा सा हिला दूंगा। अब इसे काफी तकरीबन 10-1 मिनट तक पकने दूंगी, शायद 8 से लेकर 10 मिनट तक आप पका लें इसे। चलो बेबी आहत के अंगूर भी मैंने काट लिए, जरा आई उसे दे आए। और ये रहा आज का सुपरस्टार। हेलो बेबी, आपने क्या क्या खाना खाया? थोड़ा सा ये किसकी है? यम्मी यम्मी, ये कौन खाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जरा, बहुत ही गंद कर देता है ये जमीन पे जब खाना खाता है ना छोटा सा। ये तकरीबन रोज है ना यहाँ पे ब्रेड मिलती है, इसे बोलते हैं क्रंच ब्रेड। ये बिल्कुल नरम सी ब्रेड होती है, उसको बोलते हैं मेवे। और किशमिश तो ये खाना से बहुत अच्छा लगता है। रात को मैंने बैठ के वो दो जो है बास्केट जो है कपड़ों की तय की, और भी बहुत सारे कपड़े रहते हैं आज धोने के लिए, इस्त्री करने के लिए, है ना अहद, फोल्ड करने के लिए। अहद की बेबी नहीं पहना है, बेचार लिया हूँ। तो अजीम जो है आप कह रहे हैं कि आज उनका दिल कर रहा है कि टोस्ट खाएं अंडे के साथ, तो वही मैं उनके लिए बनाऊंगी। तो चलिए आज आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। तो ये नमक मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ, काफ़ी अर्से से मेरा दिल कर रहा था कि ख़रीद लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ख़रीदा। ये काफ़ी महंगा होता है, पिंक सॉल्ट को कहते हैं। और जब मैं घर से ले गए, तो अजीम ने जब इसका जो है एटिकेट पढ़ा, तो उसके ऊपर लिखा था, ठहरे मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर लिखा हुआ था, आई डोंट नो, ये फोकस नहीं कर रहा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान से है। अच्छा जी, तो ये हो गया है मेरा नाश्ता भी तैयार। मैंने लिया है ओटमील, साथ ली हैं दो स्ट्रॉबेरीज, थोड़ी सी ब्लूबेरीज ली हैं, और कुछ मिक्स लिए हैं नट्स के, जिसमें हैं सूरजमुखी के फूल हैं और पम्पकिन सीड्स हैं, गोजी बेरीज हैं, उसके ऊपर मैंने डाली हैं ये चिया सीड और थोड़े से हेम्प सीड डाले हैं, और ये जो मिक्स है नट्स का मैंने ऊपर डाला था। ठीक है ना, तो ये मैं इंजॉय करूँगी, नाश्ता खाऊंगी और साथ इसके पीऊँगी ये आधी बोतल जूस की, तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी फुल हो जाऊँगी। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये जो है नाश्ता बहुत ही हेल्थी है और बहुत ही फिलिंग है। और हाँ, जो ऊपर मैंने डाला है ब्राउन सा आपको नजर आ रहा है, ये जो है आलमंड बटर है, ये बहुत ही गुड फैट होती है आपके लिए। ठीक है ना, तो आप भी खाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। जी वाओ, ये लो, कैसे करते हो मामा? कैसे आप बोल रहे थे?
फहमाना। वाह आहद, आहद ये क्या किया आपने? हे बेबी क्या किया है आपने? गुड सो, वेल डन। क्या कर रही हो? अभी भी आहद ने जो है वॉकअप पकड़ के थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया है और टेबल और सोफे वगैरह पकड़ के चलना शुरू कर दिया है ना आहद। अब आहद थोड़ा थोड़ा चलता भी है। या अभी मैंने एक मशीन चला दी है कपड़े धोने वाली और जो सूख चुके हैं वो मैं भी निकाल लूंगी। और आज खाने का क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा कि पकाना क्या है, तो चलिए अभी देखती हूँ कि खाने के लिए क्या बनाऊं। तो अभी मैं मशीन चला चुकी हूँ और अब मैंने सोचा कि पहले जो है बिस्तरे वगैरह जो चेंज कर लूँ। तकरीबन डेढ़ हफ्ता हो गया है बिस्तरे ये लगाए हुए। तो ये मैंने नई डुफेट सेट खरीदी थी, रज़ाई का गुलाफ और तकियों की वगैरह, ये H&M से मैंने ख़रीदी हैं। तो बहुत खूबसूरत है, मैं आपको लगा के ना बिस्तरों पे फिर मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ, ठीक है? मेरा बेड बिल्कुल साफ हो गया है, मैंने एक बिस्तर चेंज कर चुकी हूँ और मुझे तो ये बहुत पसंद आ रही है। मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और जो है ना ये फ्रिंज साथ लगी हुई ये बहुत नाइस है। और बेबी आहद जो है ना वो हमेशा शरारतें करता रहता है ना, मैं काम संवारती हूँ और वो बिगाड़ता है। तो जी अब हो गई है दोपहर और मैं खा रही हूँ थोड़ा हल्का फुल्का सा लंच। ये है एक शिमला मिर्च और आधा जो है खीरा मैंने साथ काटा है और ये मैं खाऊंगी हमस के साथ साथ पीऊंगी ये एक जूस की बोतल, तो काफ़ी एनर्जी मुझे मिल जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। इसके बाद मैं खाऊंगी तकरीबन 4 या 5 बजे के दरमियान जो है मैं एक रोटी खा लूंगी सालन के साथ। सालन मैंने जो है अभी बनाने रख दिया है किचन में। मैं आज बना रही हूँ बोनलेस चिकन, चिकन फिलई और साथ चने, तो वो सालन होगा और साथ एक मैं छोटी सी रोटी डालूंगी अपने लिए, वो मैं खा लूंगी तकरीबन 4 और 5 के दरमियान। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अगर मुझे भूख लगी तो शायद मैं के नाम एक बड़ा सा मग जो टी का पी लेती हूँ, साथ एक छोटा क्रैकर ले लेती हूँ, लेकिन और भारी खाना उसके बाद मैं नहीं खाती। तो यही राज है मेरे वेट लॉस का कि आप वक्त पर खाना खा लें, तकरीबन 5-1 बजे तक आप खाना खा लें और उसके बाद आप जो है कुछ भी ना खाएं, ताकि जो है आपके अंदरूनी सिस्टम को जो है रेस्ट करने का टाइम मिल जाए, ठीक है? और आप जो कुछ भी खाएं दिन के दौरान भी जो खाएं, भारी भारी ना खाएं, हल्का फुल्का खाएं। तो इस जो है मेथड को बोलते हैं इंटरमिट फास्टिंग। तकरीबन आपकी जो विंडो है ईटिंग की वो है 8 घंटे की, तो आप मैं तकरीबन 8 या 4 या 9 बजे शुरू करूँ तो 5 बजे तक सब कुछ खा लेती हूँ जो जो मैंने खाना होता है, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती दूसरी सुबह तक।
और अगर मुझे बहुत भूख लगे तो हाँ मैं रात को एक क्रैकर खा लेती हूँ, और अगर मुझे बहुत भूख लगे तो हाँ मैं रात को क्रैकर खा लेती हूँ। यही इंटरमिट फास्टिंग का राज है कि आप विंडो होती है 8 घंटे की, आप 8 घंटे खाएं। तकरीबन मैं 8 से लेकर 4 बजे तक खा लेती हूँ, या वरना मैं खा लेती हूँ 9 से लेकर 5 बजे तक, तो उसके बाद मैं नहीं खाती। और यही जो है सीक्रेट है वेट लॉस का कि आप टाइम पे खाना खा लें और रात तक देर तक 8-9 बजे तक खाना ना खाएं, क्योंकि उसकी वजह से जो है वजन बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही है। तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, आपने देखा कि मैंने नाश्ते में क्या खाया, मैं लंच में क्या खा रही हूँ, और मैं आपको जब रोटी खाऊंगी तब भी वो डिनर दिखाऊंगी। तो कपड़ों धोने वाले की मशीन जो है वो रुक चुकी है, और उसको मैंने कपड़े जो धुले हुए थे मैंने सूखने वाली मशीन में डाल दिए हैं, और मैंने साथ साथ काफ़ी सफाई भी की है। बेबी अहद को नहला धुला के सुला दिया है, और अजीम आए थे घर पे उन्हें लंच बना के दिया है। तो अब होने वाले हैं दोपहर के, मैं आपको टाइम देख के बताती हूँ, 1:15 होने वाला है। तो अभी मैं फटाफट खा लूँ क्योंकि मैंने और सफाई करनी है। आंट मेरा दिल है कि जो फर्श है सारे वो भी साफ कर दूँ, क्योंकि काफ़ी गंदे हो रहे हैं मेरे घर में जो है। लाइट रंग के फर्श हैं तो गंदगी सारी ऊपर नजर आती है, जैसा कि आपको भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये दिखा रहे या ये दिखाई देता है ना, या तो ये भी मैंने भी साफ करने हैं, लेकिन पहले मेरा दिल है कि कुछ खा लूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी। ठीक है, ओके जी। जो सालन जो है वो हो गया है तैयार, मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया। अभी इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया है और उसको जरा मिक्स कर दूं। चलिए जी, ये तो पक चुका है, और अभी मैंने करना है आटा, और उसके बाद हो जाएगा टाइम बच्चों को स्कूल से लेने का, तो फिर बच्चों को स्कूल लेने जाना है। ओके जी, तो मैंने बच्चों को जो है स्कूल से पिकअप कर लिया है, और हम अभी थोड़ी देर आए हैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, और वो काम फिनिश करके हमारे साथ ही घर चले चलेंगे, है ना बेबी आहद। बेबी आहद को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जब आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कारपेट डला हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही यहाँ पे क्रॉल करना। कहाँ जा रही हो आप, कितने जा रही हो? तो हाँ जी, अब हम आ गए हैं वापस घर मेरे हस्बैंड के ऑफिस से, और टाइम हो गया है 4:45 से ऊपर टाइम हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी खाना खा लूँ। तो ये मैंने आज जो आपको बताया था सालन बना रही हूँ बोनलेस चिकन और चने का, और साथ जो है हम वहाँ से मेरे हस्बैंड के ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट है, वहीं से हम लोगों ने नान ले लिए हैं, कि फिर मुझे रोटी नहीं पकानी पड़ेगी आज। तो मैंने थोड़ी सी ली है मैंगो लस्सी और एक गिलास पानी, अब मैं खाना खाने लगी हूँ। तो इसके साथ साथ ही मैं आज का व्लॉग बंद करती हूँ, आपको कहती हूँ अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।